हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान वांट्स हेल्प इंडिया, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन, पाकिस्तानी शॉकिंग। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरीके से ये वीडियो है और वो किस तरीके की हेल्प चाहते हैं इंडिया से। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप पहले से ही देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। के पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के वजूद पे सवाल खड़ा होगा, तो वो जो इस ये अबुल कलाम आज़ाद का आइडिया था, तो वो जो इंडिया के मुसलमान हैं वो भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान कोई ख़ास स्टेट नहीं है, ये इंडिया के साथ ही मर्ज हो जानी चाहिए, तो वो भी पाकिस्तान के कोई हक में नहीं है, वो भी उस स्टेट में खुश। पाकिस्तान ने कुछ साबित किया ना कि उनकी बात ठीक थी। नावल भुट्टो ने बात की है कि इंडिया हमारा एक फ्रेंडली कंट्री है, तो ये एक ऐसा मौका है जहाँ हम जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं लाइक इमरान खान या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो देखेंगे कि ये जो एक टाइम है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो पब्लिक है उसको भड़काने के लिए हम दिखाएंगे क्राउड को। तो जो बिलावल भुट्टो है वो इंडिया के लिए नरम गोशा रखता है, तो मतलब सबसे पहले तो हमारे पॉलिटिशियन ही इसका कसूरवार हैं। वो जब एक पार्टी जो है वो सपोर्ट कर रही है इंडिया को, तो जो दूसरी पार्टी है वो टांगे खींचना शुरू कर। वैसे आप क्या चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए या नहीं? जी, नो डाउट हमारा यही मैसेज है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात दोबारा बहाल होने चाहिए, अच्छे ताल्लुकात। और सब इस वक्त पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारा उनके साथ तजारत जो है उसे फौरी तौर पर बहाल किया जाए, क्योंकि कुछ पाकिस्तान में कई ऐसी मौसमी सब्ज़ियाँ और फल हैं जो कि ज़रूरत के वक्त ख़त्म हो जाती है और वो हम इंडिया से इंपोर्ट करते हैं ताकि उन्हें कम कीमत के अंदर गरीब। मेडिसिन बहुत सारी ऐसी है कि जो इंडिया से पहले आती थी और हमें यहाँ पर ब्लड प्रेशर या शुगर की मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा महंगी यहाँ पर मिल रही है, तो वो मेडिसिन भी अगर आ जाएगी तो गरीब आवाम का फ़ायदा ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इंडिया हमारा नेबरिंग कंट्री नेबर कंट्री है, तो हमें इम्पोर्ट पर। ये तो बिलावल वाला लफ्ज़ आपने दोबारा इस्तेमाल किया, नेबर इन सेंस के हमें इम्पोर्ट के इतने चार्जेस नहीं पड़ते, करीब है ना। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनके मुंह से गलती से इंडिया के लिए फ्रेंड का वर्ड निकल आया, तो वो वहां पर चुप हो गए, खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद दोबारा उन्होंने इंडिया के लिए लफ्ज़ नेबरिंग कंट्री यूज़ किया, तो हम जानेंगे कि क्या वजह है कि उनके मुंह से अगर गलती से ही इंडिया के लिए फ्रेंड का वर्ड यूज़ हो गया था तो वो कौन सी क़यामत आ गई थी। अगर वो उसी लफ्ज़ को कंटिन्यू रखते तो क्या मज़े वाली बात थी कि हम इंडिया के लिए अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकते। तो जाने के पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से कि बिलावल भुट्टो ने यू टर्न क्यों लिया और फ्रेंड की जगह उन्होंने नेबरिंग कंट्री का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, तो जानते हैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलमान अब्बासी है जी। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ जी सी यूनिवर्सिटी में बी एस इंग्लिश कर रहा हूँ। वैसे मैं डेली पाकिस्तान में कॉलमिस्ट हूँ और दुनिया न्यूज़पेपर में भी मेरे आर्टिकल रहते रहते हैं। और आप? मेरा नाम सैयद अहमद अली शाह है और मैं भी बी एस इंग्लिश लिटरेचर कर रहा हूँ जी सी यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात हो रही थी कश्मीर टॉपिक की और यू एन में पाकिस्तान जो कश्मीर का मसला उठाता उसके ऊपर, तो उन्होंने इंडिया का जब नाम आया उसके साथ उन्होंने फ्रेंड का लफ्ज़ यूज़ किया, तो यकदम फिर वो घबरा गए और ऐसे घबराए गए उन्होंने दोबारा सोचा समझा, तकरीबन ये 15-20 सेकेंड वो सोचते रहे कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद उन्होंने इंडिया के लिए नेबरिंग कंट्री का वर्ड यूज़ किया, तो क्या कहेंगे अगर उनके मुँह से गलती से ही अगर फ्रेंड का लफ्ज़ निकल गया था तो कौन सी क़यामत आ गई थी अगर इंडिया को फ्रेंड कह देते? जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैंने भी ये जो है इंटरव्यू देखा है, तो इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं और हम चार जंगें लड़ चुके हैं और जो दुश्मन वाला वर्ड है वो तकरीबन ठीक ही है। लेकिन मैं अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप इतने इमैच्योर कैसे हो सकते हैं? आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल कम्यूनिटी आपको देख रही है, और अगर वहाँ पर आपने एक वर्ड यूज़ कर लिया फ्रेंड, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रेंड बनने जा रहे हो, बल्कि आप एक अच्छा जो है एक अच्छा इजहार कर रहे हो, एक अच्छा एक्सप्रेशन दे रहे हो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो सकते हैं। तो पहले आपको वो वर्ड यूज़ ही नहीं करना चाहिए था अगर आपके अरबाब इख्तियार या आपकी अवाम आपको सपोर्ट नहीं करती। अगर आपने वो वर्ड यूज़ कर ही लिया है तो आप उस वर्ड को कैरी ऑन करते, ना कि वो वर्ड रिमूव करके आप नेबरिंग कंट्री का वर्ड यूज़ करते। यहाँ से एक क्लियर मैसेज किया है कि आप उनको एज ए फ्रेंड कंसीडर ही नहीं करना चाहते, तो ये टोटली एक रॉन्ग, एक फॉरेन पॉलिसी में अगर देखा जाए तो टोटली एक रॉन्ग मैसेज गया है मेरे मुताबिक। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि उन्होंने अगर अपना मौक़िफ़ चेंज किया, वहाँ पर फ्रेंड की जगह नेबरिंग कंट्री यूज़ किया, तो उन्होंने ठीक किया या उन्हें
फ्रेंड के ऊपर ही रहना चाहिए था। पहले हम देखते हैं कि जिस तरह उन्होंने कहा ना कि फ्रेंड के तौर पर अगर वो कह रहे थे तो ये एक अमन का मैसेज था, अमन का पैगाम जा रहा था पूरी दुनिया में। लेकिन जब उन्होंने सोचा ना कि किस तरह भारत हमारे फौजियों को या कश्मीर में जब हम देखते हैं ना, तो इससे यानी कि उनका शायद मौकफ़ चेंज हुआ, कि यानी कि वो उन्होंने नेपर कहा, क्योंकि अब ताल्लुकात उस तरह नहीं रहे जिस तरह हम चाहते हैं, तो इसीलिए शायद उन्होंने फ्रेंड की जगह नेपर। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया की वजह से ख़राब है या इसकी क्या रीज़न है, या कश्मीर की वजह है, क्या वजह क्या है कि दोनों के ताल्लुकात ख़राब हैं और आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ सोचा समझा उसके बाद में उन्होंने ये चेंज किया? बेसिक रीज़न इसकी ये है कि कश्मीर, जिसमें इंडिया सिर्फ डोमिनेंस चाहता है कि वो इसे किसी तरह ऑक्यूपाई करे, लेकिन पाकिस्तान एक क्योंकि इस्लामी मुल्क है इसलिए हम भी अमन के ख्वाह हैं, तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि अगर बातचीत से काम हो तो ये अच्छा है। जिस तरह बिलावल साहब ने पहले कहा है कि फ्रेंड है, तो उन्होंने एक अच्छा मैसेज जा रहा था, लेकिन जब उन्होंने नेबर का कहा तो कुछ हद तक यानी कि उनके दिल में भी है। अच्छा भाई ने जैसे बात की, वो ये कह रहे हैं कि जी कश्मीर वजह है सारे मसले की, तो इसमें ये बताएं कि जो शिमला एक एग्रीमेंट हुआ है, ये बिलावल भुट्टो के नाना ने ही किया था, वो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, और उस वक्त हुआ था उसमें ये चीज़ें तय की गई थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई भी जो मसले वाली चीज़ें हैं वो टेबल के ऊपर दोनों मुल्क आपस में बैठ के तय करेंगे। तो फिर पाकिस्तान अगर कश्मीर का कोई मसला है तो इंडिया के साथ बैठ के बात क्यों नहीं करता, यूएन में क्यों जाता है बार बार? सबसे पहली बात तो ये है कि जो है डायलॉग होना चाहिए। शिमला जो वफद है, शिमला कॉन्फ्रेंस है, उसका बेसिक मोटो यही था कि दोनों ममालिक के दरमियान डायलॉग के ज़रिए बातचीत हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चार जंगें होना और फिर इंडिया का एक गैर कानूनी इकदाम, जिसके बाद जो है कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की गई, तो उसके बाद हमें एक थर्ड पार्टी चाहिए जो कि डायलॉग का राह हमवार कर सके। तो अनफॉर्चुनेटली हम हर रोज़ देखते हैं, कभी अमेरिका कह रहा है कि वो जो डायलॉग के लिए जो थर्ड पार्टी है सालसी का किरदार हम अदा करने के लिए तैयार है, रशिया भी कहता है, चाइना भी कहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक कोई थर्ड बॉडी आई नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान को ज़रूरत है कि कोई थर्ड पार्टी आए, और हम यूनाइटेड नेशन को समझते हैं कि अगर उनकी करारदादों पे ही अमल हो जाए, थर्ड पार्टी का वो रोल प्ले कर दें तो हम डायलॉग कर सकते हैं। थर्ड पार्टी वो होनी चाहिए जो दोनों के ममालिक को एतमाद में लेकर इनके मसले हल कराए। तो कुछ ममालिक तो ऐसे हैं कि जो हमारी लड़ाई करवाते हैं, तो हम उन्हीं के पास अगर लेके जाएंगे अपना मसला तो कब वो कैसे हल होगा? अब देखें ना, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया जो है आपस में सुलह सफाई के साथ, अमेरिका ने अपना असला बेचना है, सीधी सी बात है, और वो कभी भी नहीं चाहेगा ये खत्ता जो है वो अमन का हो। तो कुछ ऐसे ममालिक हमें चुनने चाहिए अगर हमने बीच में डालना है, जैसे टर्की है या रशिया है, जो हमें हमारे मामलों को सेटल करवा सकते हैं। तो हमें चाहिए नहीं कि हम कुछ ऐसा रास्ता अपनाएं कि जिससे वाकई तौर पर अमन जो है हमारे दरमियान बहाल हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और पाकिस्तान की जो फॉरेन पुलिस है वो इसी चीज़ को ही तलाश कर रही है। लेकिन जब आप ममालिक की बात करते हैं तो ये बात भी तय है कि जो हर मुल्क है उसने किसी न किसी ब्लॉक में जा कर बैठना है। आपने बिल्कुल सही बात किया कि जो इंडिया है, जो अमेरिका है, वो चाहता है कि मेरा जो असला है वो बिके और मैं आगे निकल सकूं, कि उनका सारा कारोबार ही असले की बेस पे चलता है, तो इस बात में कोई भी शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम अपनी जो कोशिश है वो रोक नहीं सकते, हमें थर्ड पार्टी चाहिए, और थर्ड पार्टी का जो रोल है वो एक सुपर पावर ही प्ले कर सकती है, आया कि वो रशिया हो, चाइना हो या अमेरिका हो। हाँ, आपने एक अच्छे मुल्क का नाम लिया टर्की, लेकिन उसका जो है इंटरनेशनल लेवल पे इतना असर और रसूख नहीं है, तो इसलिए फिर हमें कभी चाइना की तरफ देखना पड़ता है तो कभी अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है। चाइना को भी हम सपोर्ट, चाइना की सपोर्ट की भी इतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि जो इंडिया है वो इटसेल्फ चाइना का दुश्मन है, तो जो चाइना का ब्लॉक है वो भी कंसीडर नहीं होना। तो एट द एंड जो सबसे अहम कंट्री है वो अमेरिका ही है, क्योंकि अमेरिका का असर और रसूख यूनाइटेड नेशन। तो वीडियो फिनिश हो गई, और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें इन्होंने की हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर उनको मैं बोलना चाहूँ तो शायद हो सकता है कि ठीक भी, मतलब ठीक क्या, मतलब लोगों को सच्चाई पता होना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला है कि क्या बोलते हैं कि इनके जैसे पॉलिटिशियन क्या करते हैं, अगर मान लो एक ने इंडिया का फेवर किया, थोड़ा सा नरम दिल पड़ जाते हैं, तो दूसरा क्या है कि उसके टांग खींचना शुरू कर देते हैं कि भाई ये इस तरीके से कि इन्होंने कश्मीर को बेच दिया है इसलिए इतने प्यार से बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो क्या है कि उनको सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स की पड़ी रहती है, दूसरा क्या है उनको जनता से कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, पहले जब इमरान खान थे तो वो इंडिया के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते थे, जैसे वो इमरान खान वहां से हट गए तो फिर क्या है कि फिर उन्होंने इंडिया की तारीफ करनी शुरू कर दी। अब ये तारीफ करते हैं तो फिर वो उनकी वो करते हैं, मतलब एक तरीके से पॉलिटिक्स है, इसको जनता को समझना पड़ेगा कि ये नेता लोग जो है आपस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इसमें जनता पिस रही है। दूसरा ये है कि जनता वहां के जो जो लोग हैं उनको इतना ज्यादा रेडिकलाइज कर दिया गया है कि अगर कोई बात भी करता है ना कि इंडिया से अच्छे रिलेशन होने चाहिए तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनको ऑलरेडी कितनी पीढ़ियों से उनको ब्रेन वॉश किया गया है कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, ये है वो है, जबकि यहाँ के लोगों को कोई मतलब भी नहीं है कि कौन हमारा दुश्मन है, अपने काम से काम रखते हैं, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि इंडिया की सिचुएशन आज इतनी अच्छी हो चुकी है कि पाकिस्तान को ही पहल करनी पड़ेगी, इंडिया को जरूरत नहीं है, क्योंकि कुएं के पास जिसको प्यासा होता है उसी को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआ नहीं आएगा आपके पास में, ठीक है। इसमें ये भी थी और काफ़ी सारी बातें इन्होंने की हैं, ठीक है। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो एक भाई साहब हैं इन्होंने बोला कि जी मतलब चार बार युद्ध हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के, और इसमें क्या है कि अब हमें उनसे एक मतलब एक थर्ड पार्टी चाहिए जिससे कि हम दोनों के बीच में टेबल टॉक हो सके, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो यूरोपीय कंट्री हैं वो बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि हम दोनों के बीच में किसी भी तरीके का सही रिलेशन हो, क्योंकि उनको अपने हथियार बेचने होते हैं, ठीक है। एक तरफ से रशिया हमें ऑफर करता है, दूसरी तरफ से अमेरिका आपको ऑफर करता है और अमेरिका हमें भी ऑफर करता है, ठीक है। तो क्योंकि इनका हथियार का ही बिजनेस है, ठीक है, तो वो नहीं चाहेंगे इस चीज़ को, वो हमेशा यही चाहेंगे कि इनमें आपस में रहें और हमारे जो है आराम से हथियार बिकते रहें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं और ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है वहाँ के लोगों को, ठीक है। और रही बात वो कहते हैं कि जी इंडिया तो ये चाहता है कि वो मतलब सारे जो देश है अखंड भारत बन जाए। ये देखिए पहली बात तो सभी आप भी हिंदू थे सच बताएं तो, ठीक है, आपके जो पूर्वज थे आपको जबरदस्ती तलवार की नोक पे आपको कन्वर्ट कराया गया है, आप सब हिंदू ही तो थे, आप इस सब कॉन्टिनेंट के पार्ट थे, ठीक है। आप कोई बाहर विदेशों से वहाँ से अरब से तो आए नहीं हैं आप सभी, ठीक है। तो आप इसी यहीं इसी खित्ते के आप सभी लोग इसी के पार्ट हैं और ये हम सबका DNA सेम है, वो अलग बात है कि सबको ब्रेन वॉश कर दिया गया या फिर पॉलिटिक्स की वजह से सबको ब्रेन वॉश कर दिया गया जो भी है, लेकिन हम सब थे एक ही, ठीक है। हमारे पूर्वज दादा परदादा जो हैं वो सभी आपके हिंदू ही थे, ठीक है। और हम इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते हैं कि अगर मान लो अखंड भारत बन भी जाता है तो सारे हिंदू बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबके पंथ अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि सभी को जीने का हक है। ये नहीं है कि आप अगर मान लो अलग उसे बिलोंग रखते हैं तो आपको जीने का हक नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति में ऐसा है नहीं। और दूसरों की मुझे पता नहीं, हो सकता है कि दूसरों की में ये हो कि मान लो अगर आप हमसे बिलोंग नहीं रख सकते तो आपको जीने का हक नहीं, लेकिन हमारी संस्कृति में ये ज़रूर है कि अगर आप किसी अदर कल्चर से बिलोंग रखते हैं तो आपको जीने का हक है, ठीक है। तो मैं यहीं पे इस वीडियो को फिनिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गुड बाय।